की नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए तेजी के साथ कार्य कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ लोग बहनों और भाइयों देश के अंदर आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की हर वर्ष सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। कांग्रेस की कमीशनखोरी पर मोदी जी ने लगाम लगाने का काम किया, क्योंकि हर गरीब का जनधन अकाउंट खुल गया। 50 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट खुल गया। अब दिल्ली और मुंबई से आने वाला पैसा गरीब के खाते में जाता है, किसान के खाते में जाता है, महिलाओं के खाते में जाता है, उस पर कोई सेंधमारी नहीं कर सकता। 12 करोड़ किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बना दिए गए हैं। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का एलपीजी का सिलेंडर पहुंच गया है। 4 करोड़ गरीबों के पीएम आवास बन गए हैं। ये सब कुछ 10 वर्ष में मोदी जी ने किया। क्या किसी का चेहरा देखकर, किसी की जाति देखकर, किसी का मत और मजहब देखकर? नहीं, मोदी जी का एक ही मंत्र था, वह था सबका साथ और सबका विकास। एक तरफ विकास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मोदी जी के मार्गदर्शन में गडकरी जी ने हाईवे का एक लंबा जाल देश के अंदर बना पहला दिया। 1947 से लेकर 2014 तक जितने हाईवे बने थे, 2014 से 2024 के बीच में उसके दुगने हाईवे बन गए देश के अंदर। बहनों और भाइयों, 1947 से पहले से लेकर के 2014 तक जितने एयरपोर्ट थे, केवल 74 एयरपोर्ट थे। आज देश के अंदर 150 एयरपोर्ट हैं। एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। पहले 5 सिटी में मेट्रो चलती थी, आज देश के अंदर 20 सिटी में मेट्रो चल रही है। पहले केवल 7 एम्स थे, आज देश के अंदर 22 एम्स हैं। IIT, IIM, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, हर घर नल की योजना, ये आज पूरे देश के अंदर हम सबको दिखाई दे रहा है। नए भारत में सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, और इस सब से बढ़कर के और भी है, वह है आपकी आस्था का सम्मान भी है। आपकी आस्था का सम्मान भी है। कांग्रेस ने 65 वर्षों तक शासन किया ना, किया है ना कांग्रेस ने 65 वर्षों तक देश में शासन। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्यों नहीं कर पाए? क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर सकती थी क्या? कर सकती थी क्या? मैं तो आपका अभिनंदन करूंगा कि अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन में महाराष्ट्र के यहां के बहादुर नौजवानों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, गुलामी के ढांचे को हटाने में अपना योगदान दिया, और राम मंदिर निर्माण में भी जितना धन लग रहा था महाराष्ट्र ने कहा हम सहयोग करेंगे, महाराष्ट्र बढ़ चढ़ करके सामने आया। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना, कांग्रेस के लोग क्या कहते थे जब कोर्ट ने फैसला नहीं किया था? कांग्रेस के लोग कहते थे अगर फैसला हो जाएगा तो खून की नदियां बहेंगी। जब मैं चीफ मिनिस्टर बना, मुझसे पूछा गया कि कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं, मैंने कहा देखो हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं, चिंता मत करो। अयोध्या में राम मंदिर भी बनेगा, और हमने कहा न्यायालय का फैसला आएगा उसका अक्सर सा पालन भी करेंगे, और खून की नदियां बहाने की बात तो दूर, एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, मच्छर भी नहीं मरेगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा। और बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे अयोध्या में, अब तो आप अयोध्या जाएंगे आपको लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा कि जैसे भगवान राम के समय की अयोध्या फिर से स्थापित हो गई, पूरा नई अयोध्या बना दी गई। अयोध्या में आपने 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम को देखा होगा, मोदी जी के नेतृत्व में कैसे अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह संपन्न हुआ।
कांग्रेस के लोग तो एक भी प्रधानमंत्री अयोध्या नहीं गए, डर लगता था अयोध्या जाने में कहीं वोट बैंक न खिसक जाए। यानी देश की कीमत पर वोट बैंक, भारत की आस्था की कीमत पर वोट बैंक, और ये लोग लगातार आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। आज मैं कांग्रेस के और इंडी गठबंधन के घोषणा पत्र की एक बात और आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने अपनी घोषणा पत्र में कहा है, अपनी घोषणा पत्र में इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा है बहन और भाइयों कि अगर कांग्रेस नेतृत्व की इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तो वह अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के हिसाब से खान पान की स्वतंत्रता देंगे। अब मुझे मैं पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी रुचि है मुस्लिम समाज की जो हिंदुओं से अलग है? अरे रोटी वो भी खाते होंगे, चावल वो भी खाते होंगे, ढोकला वो भी खाते होंगे, सब कुछ खाते होंगे, लेकिन उनकी अतिरिक्त इससे अतिरिक्त रुचि क्या है? हिंदू गौ कसी को स्वीकार नहीं कर सकता, गौ मांस नहीं भक्षण करता, लेकिन वह चिढ़ाने केले जरूर करता होगा और इसीलिए उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। कांग्रेस देश के अंदर गौ हत्या की खुली छूट देना चाहता है, क्या आप स्वीकार करेंगे? क्या स्वीकार करेंगे इसको? यानी ये तो महापाप का कारण बनेगा अगर हमारा वोट ऐसे लोगों के लिए जाता है जो गौ हत्या हत्यारों को प्रश्रय देते हैं और गौ मांस को देश के अंदर प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। वह हम सब के लिए इससे बड़ा पाप का कारण दूसरा बन ही नहीं सकता। ये पाप आज कांग्रेस करने जा रही है और दूसरा इसके द्वारा भरमाने के बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, भरमाने के क्या प्रयास? कांग्रेस जितना झूठ बोल सकती इस चुनाव में बोल रही है, क्योंकि उसे मालूम है इस चुनाव के बाद कांग्रेस इतिहास की वस्तु बनने वाली है। उसको मालूम है इसके बाद कांग्रेस को देश की जनता जनार्दन पूरी तरह ठुकरा देगी। और उत्तर प्रदेश में तो हमारी विधानसभा में 403 विधायकों का चुनाव होता है जनता के द्वारा। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की जनता ने कितनी सीट दी मालूम है? दो। यानी राम नाम सत्य है के लिए भी चार लोग चाहिए होते हैं ना, वहां दो ही सीट है, यानी अगली बार छुट्टी। अभी आप देख रहे होंगे कांग्रेस के लोग हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं यूपी में चुनाव लड़ने का, सब भागे भागे फिर रहे हैं। और बहनों और भाइयों, मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, अब वे अंतिम उपाय उन्होंने क्या प्रारंभ किया है? अंतिम उनका उपाय वही है कि हिंदू समाज को फिर से बांटो। जाति के नाम पर बांटेंगे, जातीय जनगणना के नाम पर आपको गुमराह करेंगे। 65 वर्षों तक क्या कर रहे थे पूछा जाना चाहिए। फिर जातीय जनगणना के आधार पर हिंदू समाज को खेमों में बांटेंगे और फिर खेमों में बांटने के बाद आपस में लड़ाएंगे। आपस में लड़ने के बाद फिर आपके हिस्से में चुपचाप डकैती डाल करके आपका हिस्सा काट करके आरक्षण का हिस्सा, ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण का हिस्सा ये मुसलमानों को बांट देंगे। कांग्रेस ने यूपीए सरकार के समय यह षड्यंत्र किया था। संजय काका पाटिल तब भी हमारे साथ सांसद थे और हम साथ साथ इसका विरोध करते थे कि कांग्रेस को यह षड्यंत्र सफल नहीं होने देना है। इन्होंने तब भी किया था, पहले रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित करके ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण में इन्होंने कहा था 6% आरक्षण ओबीसी का काट करके मुसलमानों को दे दो। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, कहा था हम अपने हिंदुओं का आरक्षण किसी भी ऐसे लोगों को नहीं देने देंगे जिसका विरोध बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि देश के संविधान को धार्मिक आधार पर नहीं बांटा जा सकता, धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं।
सच्चर कमेटी गठित करके कांग्रेस ने यह प्रयास किया था कि मुस्लिम समाज की कुछ जातियों को दलित में शामिल करके दलितों के अधिकारों पर भी डकैती डाली जाए। भारतीय जनता पार्टी ने तब भी विरोध किया था, कहा था ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान है और हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का कतई नहीं बर्दाश्त कर सकते, और तब जाकर के अधिकार बचा था। बहनों और भाइयों, अगर कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई तो यह सबसे पहले आपको बांटने का काम करेगी, फिर आपस में लड़ाएगी, फिर आपके अधिकार में डकैती डालेगी, ओबीसी को और अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले आरक्षण पर ये डकैती डालने का काम करेगी, उसको जबरदस्ती मुसलमानों को देने का काम करेगी। यह हम कतई स्वीकार न करें, और इसी की अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की बात की थी, और उस समय उस कालखंड में औरंगजेब के समय में उन्होंने यहां पर हिंदी स्वराज्य की स्थापना की थी। काशी से गागा भट्ट एक महापुरोहित यहां आकर के उनका अभिषेक करते हैं, और वो परंपरा महाराष्ट्र की आज भी उसी रूप में गौरव के साथ आगे बढ़ती है। पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है छत्रपति शिवाजी महाराज पर, और इसीलिए हमारे यहां उत्तर प्रदेश में भी मुझसे पहले वहां समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस की पार्टनर है उसका शासन था, उसने आगरा में एक म्यूजियम बनाने की कार्रवाई प्रारंभ की थी, उसका नाम रखा मुगल म्यूजियम। मैंने कहा क्या इसके लिए क्या मुगलों ने पैसा दिया है क्या, तो कहा नहीं पैसा सरकार का है। तो मैंने कहा सरकार का पैसा लग रहा है तो मुगलों के नाम पर नहीं होगा, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर होगा। मुगलों की का कोई चिन्ह इसमें नहीं होना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरव गाथा इसके साथ जुड़नी चाहिए। और बहनों और भाइयों, आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य म्यूजियम बनाने का कार्य आज के दिन पर हमारी सरकार कर रही है। हमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एक ही बात कही थी, सबसे पहले गौरव, देश के अंदर जितने भी गुलामी के प्रतीक हैं इनको समाप्त करना, और दूसरा विरासत पर गौरव की अनुभूति करना। छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले और यहां की संतों की परंपरा, ये हमारी विरासत है, इस विरासत पर गौरव की अनुभूति हमें करनी है। कांग्रेस आपने देखा होगा, सेम पेत्रोदा का बयान आपने पढ़ा होगा ना, क्या कहता है, हम विरासत टैक्स लगाएंगे, यानी अब हमारी विरासत हमारी और टैक्स कांग्रेस के लोग वसूली करेंगे, क्या आप छूट देंगे क्या, कांग्रेस को छूट देंगे क्या, अपनी विरासत पर, बाप दादों की कमाई पर, पूर्वजों की कमाई पर क्या कांग्रेस को लूटने की छूट देंगे। बहनों और भाइयों, यह स्वीकार नहीं होना चाहिए, कतई स्वीकार नहीं होना चाहिए। और सांगली में मैं इसलिए भी आया हूं, सांगली में पत्ती सिराला आप गए होंगे, वहां के हमारे मोहन जी भी यहां आए हैं, हमारा वहां पर बहुत वहां पे बाद मेरा बहुत आना जाना रहा है, और लोग वहां पे बहुत भीड़ होती है, मैं देखता था नागपंचमी के दिन बहुत भीड़ होती है।